हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग में से कई लोग पूछ रहे थे कि सर, एमएसटी सीटी के लिए आप कब वीडियो देना स्टार्ट करोगे। तो फिलहाल तो मैंने आपको बताया था कि 18 मार्च तक मैं 11th की जो वीडियोस हैं, 11th के जो भी आपके सीटी में आने वाले हैं चैप्टर्स, उसकी वीडियोस बना रहा हूँ। और 18 मार्च के बाद फिर मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 12th की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। पूरा थियरी का थियरी आपका जो बोर्ड्स में होता है वही आता है। दूसरी बात यह है कि मैं सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ फिज़िक्स के। सेकेंड चैप्टर आपकी सीटी में तो नहीं है, लेकिन उसमें बेसिक चीज़ें हैं, वेक्टर्स हैं और आपका कैलकुलस वाला पार्ट है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं बना के डाल रहा हूँ सेकेंड चैप्टर से। अगर किसी की ये चीज़ें क्लियर है तो वो थर्ड चैप्टर की वीडियो का वेट कर सकता है, नहीं तो अगर वो क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर आपका वेक्टर्स और ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती है तो फिज़िक्स समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं बना के डाल रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी अभी जस्ट मेरी शूटिंग ख़त्म हुई है सेकेंड चैप्टर के लिए, तो मैं सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ 11th का। आज रात भर उसको एडिटिंग में लगेगा और कल अपलोडिंग में जाएगा पूरा दिन। तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक आपको सेकेंड चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा 11th स्टैंडर्ड का। उसके बाद फिर मैं थर्ड चैप्टर जो आपका मोशन इन अ प्लेन है वो करूँगा, और धीरे धीरे करके जो भी आपके सीटी में चैप्टर्स आ रहे हैं उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा 11th स्टैंडर्ड का वीडियो वाला, 11th स्टैंडर्ड का थियरी वाला जो वीडियोज़ है। फिर 18 मार्च के बाद हम क्या करेंगे, जो एमसीक्यूज़ है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की। इससे आपका जो है वो चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगा, समझ गए? तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक आ जाना चाहिए। अगर इनकेस लेट हो जाता है एडिटिंग में, या एडिटिंग तो आज रात भर मैं देखता हूँ कर लेता हूँ, अगर अपलोडिंग में टाइम लग जाता है किसी रीज़न की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से या फिर इंटरनेट की वजह से, तो परसों मॉर्निंग तक तो पक्का आ ही जाएगा। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल शाम तक वीडियो आ जाए और आपको सेकेंड चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स होगा और आपका जो ये है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये होगा। तो कल शाम तक मान के चलो या फिर परसों सुबह तक आपका वीडियो आ जाएगा। आप इससे सीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। किसी का अगर ये चैप्टर हो चुका है, वैसे ये सीटी में नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिक्स के लिए मैंने बना के रखा है ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ताकि उसके बेस पे फिर मैं आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर पाऊँ। तो अगर किसी का क्लियर है, अच्छा सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो डायरेक्टली वो थर्ड चैप्टर का वेट करें, नहीं तो आप देख लोगे तो बेटर होगा। ठीक है, थैंक यू।